बोलो जय माता दी। निशु आ जल्दी। इन पहाड़ियों में जो मजा आ रहा है ना यार, सच में आई इंजॉय अ लॉट। और ये है हमारा सियाड़ बाबा, सियाड़ बाबा का वाटरफॉल। चलिए अभी आपको पास ले चलते हैं और पास से दिखाते हैं आपको यहाँ का नजारा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम अभी घूम रहे हैं सियाड़ बाबा में। इसका पहला ब्लॉग आ चुका है, ये है दूसरा ब्लॉग फ्रेंड्स। तो अभी हम सियाड़ बाबा में घूम रहे हैं, तो चलिए आपको अब यहाँ का मैं पूरा लोकेशन दिखाती हूँ। उधर से अच्छा, वो देखो निशु ऊपर देखो, वहाँ वो सेंटर बीच से देखो यार, अंदर नहीं है। ना इधर से बनाएंगे ना, देख रहे हैं ना खाना, ये इधर से बना लेते हैं। तो अभी यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ की टेक केयर करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ था। मतलब जिस जगह पे लोग नहाते थे वहाँ पत्थर गिरे थे काफी बड़े बड़े, तो इसलिए अभी वहाँ नीचे जाना मना कर दिया है। तो हम लोग ने यहाँ सामने से ही शूट करेंगे, ऊपर से ही शूट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं पूरा वाटरफॉल। आप क्या कर रहे हो? मैं बेटे भोग लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये है टेम्पल और इस तरह का पूरा व्यू है यहाँ का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक व्यू, कितना अच्छा है यहाँ का व्यू देखिए। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का वाटरफॉल, जो मतलब सियाड़ बाबा में जो वाटरफॉल है वो है ये मेन जगह। यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, ये नीचे ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, यहाँ से पानी गिरता है वहां से। तो ये जो एरिया है यहाँ पूरा पार्क हुआ करता था, इतने अच्छे पेड़ हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करते थे, एक मंदिर हुआ करता था साइड पे। तो वो सब चीजें अभी टूट गई हैं। तो ये ऊपर से कहते हैं कि ऊपर से पत्थर गिरे थे, यहाँ से ये पानी गिर रहा है ना, वहां से बड़े बड़े पत्थर गिरे थे नीचे आके। तो ये कोई थोड़े सालों की ही बात है, तो तब ये ऐसा हुआ था। उसके बाद यहाँ नीचे जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है, चाहे इसकी सारी जगह बंद कर दी गई है, चाहे सब कुछ मतलब नीचे जाने नहीं देते हैं। बट एज अ लोकेशन वाइज आप यहाँ पे घूमने जरूर आए, क्योंकि इस जगह पे आपको इतना ज्यादा मतलब इंजॉय करने वाले हो ना, आपको इतना अच्छा लगने वाला है ना, आप एक बार जरूर आए यहाँ पे और इस जगह के नजारे देखेंगे ना, तो सच मानिए आप जरूर बोलेंगे कि वाह क्या जगह है। तो बस अभी ये यहाँ का जो वाटरफॉल है, ये मेन वाटरफॉल है। और हमारे खड़े खड़े ना एक आदमी यहाँ हमारे पास से निकल कर गया, वहां से नीचे से क्रॉस करा और उस पहाड़ी को चढ़ के वो देखिए वो पार से ऊपर जा रहा है। और ये पूरा ऊपर तक गए, जब तक ऊपर लास्ट तक गए, मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो मैं हैरान हो गई, इतनी बड़ी पहाड़ी ये मतलब 10 मिनट में चढ़ के चले गए होंगे। तो देखिए यार, मतलब पहाड़ों में रहने वाले लोगों में ताकत तो ज्यादा होती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट सीरियसली ये पूरी पहाड़ी चढ़ के वो ऊपर गए। और बस यहाँ का ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी आप देखिए कि ये पहाड़ियाँ, ये पानी, ये झरने, ये सब चीज़ें आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मैं बहुत बार यहाँ आई हूँ, 4-5 बार आई हूँ, तो हम ना वहाँ नीचे खड़े होकर नहाते थे, यहाँ पानी गिर रहा है ना वहाँ पर खड़े होकर हम लोग नहाते थे और इतना मज़ा आता था ना। बट पता नहीं कैसे यहाँ पर कुछ पत्थर गिरने की वजह से ये सब बंद कर दिया गया है, अभी वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन अभी भी मतलब जहाँ जब मैं खड़ी हूँ इस जगह से, इस जगह मतलब पूरा ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखना। ये हम हैं, ये हमारे पतिदेव हैं और हम सियाड़ बाबा में घूम रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरी देवरानी है और ये मेरे देवर हैं और ये हमारी बेटी है और हमारी पार्टी चल रही है। पार्टी खाना खाओ यार। कौन सा मंदिर? जा कहाँ रहा है? Thank you.
तो बाहर थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग चले गए मंदिर में। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है और जो सियाड़ बाबा वाले जो बाबा हैं जिनके नाम पे सियाड़ बाबा नाम पड़ा है उनकी यहाँ पे कुछ फोटोज लगी हैं। तो ये वहाँ पे पंडिताइन हैं, ये पूजा करती हैं, पुजारन हैं ये वहाँ की। तो इन्होंने बोला कि यहाँ की फोटोज भी बना दो, तो मैंने ये लाया है। ये है सियाड़ बाबा, जो सियाड़ वाले बाबा हैं ये वही हैं। और इनसे मैं आपको अभी मिलाऊंगी, थोड़ी देर बाद मैं इनसे आपको मिलाऊंगी भी। ये यहीं पे रहते हैं और अभी इनकी फोटोज आप देख लो। और ये है यहाँ का मेन मंदिर जिसकी पूजा की जाती है। तो कुछ भी मांगो आप यहाँ जरूर पूरा होता है। अगर आप कभी भी आओ तो जरूर यहाँ पे विश मांगिए, अगर आपके दिल में कोई विश है तो, और वो जरूर पूरी होगी। तो बस इस तरह से यहाँ पे ये पुजारिन है, ये पूजा वगैरह करती हैं, पूरा यहाँ का मंदिर का टेक केयर यही करती हैं। और बस इन्होंने हमें तिलक वगैरह लगाया और प्रसाद वगैरह दिया और काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, इतना इन्होंने हमको अपनापन और इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वापस बुला रही थी, बोल रही थी कि फिर से आना दोबारा। और बस इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छे से पूजा की सब कुछ। और ये यहाँ का मंदिर है, इस तरह से आप दर्शन कर लीजिए यहाँ के। तो इसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी जो सियाड़ बाबा हैं जिनके नाम पे ये जगह का नाम पड़ा है, तो अभी मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी। तो कौन सी जगह कैसा चमत्कार करे ये हमें भी नहीं पता होता है, तो कभी भी अगर आप इधर से होते हुए जाएं तो ज़रूर इस जगह पे होते हुए जाएं, काफ़ी अच्छी जगह है। आपको आके यहाँ को पे मन को इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी कभी भी आप ट्रैवल पॉइंट इस तरफ पे कभी भी आ रहे हैं, ये जो वैष्णो देवी से लेके शिव खोड़ी तक, तो इन जगहों से ज़रूर होते हुए जाएँ। तो अभी मैं आपको मिला रही हूँ सियाड़ बाबा, जो बाबा जी हैं उनसे। तो अभी हम उनके जहाँ पे आए हैं, यहाँ इनका आश्रम है वहाँ पे आए हैं अभी हम। तो ये हैं वो बाबा जी, आप यहाँ से इनके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही माने हुए बाबा जी हैं ये। तो यहाँ से आप इनके दर्शन कर लीजिए। और बस इस तरह से हम इनके यहाँ पे दर्शन करने आए थे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर गए। तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो शूट करा है और आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए। अभी क्या करना आपने, पानी भरना? हाँ जी, तो फिर शिवजी भगवान, शिवजी के जल चढ़ाना है बेटे अंदर। हाँ ना, उधर शिवजी के पीछे, इधर कृष्ण भगवान की कर ली बेटे, हो गया है। हाँ जी, ठीक जरूर आएंगे। तो सबसे यहाँ पे हमने मिल लिया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो ये मैंने पहनी है अपने हस्बैंड की कैप, उन्होंने कैप छोड़ दी थी तो मैंने कहा चलो मैं पहन लेती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे लंच कम ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने आज सुबह ना ब्रेकफास्ट बनाई थी, घर पे ही बना के लाया है, पूड़ी बनाई थी, साथ में आलू की सब्जी बनाई थी सूखी वाली, और साथ में अचार लाए हैं आम का, और बाकी पानी वगैरह सब हमने साथ में रखा था, स्नैक्स वगैरह भी हैं। तो ये सब लेकर हम लोग आ गए। बोलो हेलो। मुंह नहीं कैसे बना के खा रहे पापा। खाना भी ले आते थोड़ा सा यार। ये क्या है, अचार? आलू किधर है? आलू पूड़ी। चलो बहुत है, अभी एक पैकेट हो रहा है, अब मैं सारी बना देनी थी, मैं और बड़ी हो गई है। तो खाना हमारा हो गया है, ब्रेकफास्ट कम लंच हमने कर लिया है। और अभी देखिए यहाँ पीछे ना, जहाँ से दरिया थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा ना पहाड़ियों के बीच से, वहाँ से एक लेडी लकड़ियाँ लेके आ रही थी। तो मुझे ना अपना मतलब मायके वाले दिन याद आ गए। हम लोग भी ऐसे ही कभी कभी लकड़ियाँ लेकर आया करते थे, इतना दूर से तो हम नहीं लाते थे क्योंकि हमारे घर के आसपास ही बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ होती हैं, अपने पेड़ इतने ज़्यादा हैं, वहीं से लकड़ी बहुत निकल जाती है, तो हम अपने बाग से घर में लाते थे।
तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फाइनली एक बार आप फिर से सियाड़ बाबा को देख लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और इतना सुकून मिलता है इन पहाड़ियों के बीच में। बिल्कुल चारों तरफ पे पहाड़ियां हैं, सेंटर में ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमने खाना खाया है, बस यही थोड़ा सा पॉइंट है और चारों तरफ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग अब जाएंगे शिवखोड़ी की तरफ। तो चलते हैं अब हम यहाँ से। तो लीजिए अब हम सब बैठ गए गाड़ी में, जा रहे हैं शिवखोड़ी और यहाँ का हमारे पूरे दर्शन हो गए हैं। और ये है साइड का व्यू, अगर आप यहाँ से वहाँ सलाल डैम की तरफ जाना चाहते हैं तो वो सामने सामने रास्ता है, उस रास्ते पे आप जा सकते हैं, थोड़ी ही दूरी पे आपको सलाल डैम मिल जाएगा। तो बस इस तरह से अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए जी कंडा पे, ये है कंडा, यहाँ से शिवखोड़ी को रास्ता जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से ये दो रास्ते हैं, वहाँ से हम आए और एक रास्ता गया उस इस तरफ को, ये वाला, ये जाता है हमारे घर को और वो वाला जाता है शिवखोड़ी। अभी हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। तो इस तरह से तीन रास्ते आएंगे आपको, मतलब जो ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है उसमें हमने जाना है। अब शिवखोड़ी का रास्ता वो है, पीछे की ओर जो दिख रहा है वो है शिवखोड़ी का रास्ता। तो बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी रोक के बैठे हैं, ये लोग मेरे ससुर, मेरी देवरानी, ये सब लोग कुछ खाना पीना, मतलब पानी वगैरह पी रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रियासी से चले थे और यहीं पे आके हमने स्टॉप किया है, इससे पहले हम कहीं नहीं रुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पे डॉग भी हैं, तो हम डॉग को भी बीच में ला रहे हैं, बट कुत्ते ने ना एकदम से मेरी तरफ देखा और मैं भाग गई, मैंने कहा पता नहीं काटे ना कहीं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये घर है, ये घर बचपन से मैं आ रही हूँ इस जगह पे शिवखोड़ी में, तो मैं ये हमेशा ये वाला घर मैंने यहीं पर देखा है। मैं भी पता नहीं कितने सारे वो जनरेशन और आ गई होंगी, तो लेकिन मतलब ये वाला घर हमेशा मैंने इसी जगह पे देखा है इसी तरह से। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, तो मैंने सोचा चलो उनको ना कुछ खाने को दे आती हूँ। तो मैंने एप्पल और कुछ बिस्किट्स वगैरह थे पड़े हुए गाड़ी में, तो वही मैं लेकर गई और मैंने उनको दिए यहाँ पे। हेलो, बच्चों को दे दो, आ थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं आपका। क्या कर रहे हो? पानी में बड़ी हुई, पानी में घुसे हो, चलो 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 आ जाओ, आ जाओ बीच में, दो मिनट आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ दो मिनट। तो यहाँ पे चाय पानी हो रहा है, चाय तो है नहीं, खड़ा पानी चल रहा है, बिना चाय के पानी चल रहा है। ये देखो बंदा दो दो बोतलों के साथ पी रहे हैं, पियो पियो, हाथ धोती है पापा, मुंह के ऊपर गिरा देना। तो कंडा से जो रंसु है उसका डिस्टेंस यही 7-8 किलोमीटर के करीब होगा। तो बस अब हम पहुंच गए हैं रंसु में, अभी हम पहुंच गए हैं जी रंसु, यात्रा शुरू करने जा रहे हैं अभी हम शिवखोड़ी की। जब बुढ़े हो जाओगे ना ये वीडियो देख के वो याद आएगा हम कभी गए थे वहां पे, बुढ़े यहाँ है जो आ नहीं रहना हमने। काट नहीं करना ना, रेड के निकल दिए तो अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, पापा के लिए घोड़ा हम बुक कर रहे हैं। तो घोड़े वाले बोल रहे थे कि 500 रुपये आन जाना दोनों तरफ का 500 रुपये है और एक तरफ का 300 रुपये है। हाँ 300 रुपये एक तरफ, मतलब जाने का 300 है और दोनों तरफ का जो है वो 500 रुपये है। तो मैं उनको बोल रही थी कि कुछ कम कर लो, क्योंकि मैं भी इसी एरिया की ही हूँ, आसपास की ही, तो मैंने सोचा कि चलो बोल के थोड़ा काम चल जाए। लेकिन अभी ना यहाँ ऑनलाइन टिकट होती है तो यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होता है, सो आपको वहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है, टिकट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिक्स रेट है 300 रुपीज़ एक साइड का और 500 रुपये आने जाने दोनों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है पर्ची कटती है, जो आपकी दर्शन के लिए जो टिकट कटती है वो यहाँ से कटती है। तो ये है गेट एंटर होने का शिवखोड़ी के रास्ते पे। तो ये रंसु है, रंसु से हम लोग शिवखोड़ी जा रहे हैं अभी। तो कोई भी लोग जो भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग यहाँ पे घोड़ा करते हैं, तो आप पहले टिकट लें फिर उसके बाद, कभी भी एक्स्ट्रा पैसे ना दें घोड़े वालों को, यहाँ पे टिकट लें पहले और फिर उसके बाद घोड़ा लें। दोनों तरफ का 500 रुपये है और एक तरफ का 300 रुपये लेते हैं ये। तो बस इस तरह से ये है गेट, यहाँ से अब हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये दरिया आता है, बिल्कुल शिवखोड़ी के साइड से निकल के ये दरिया आता है ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, पूजा भी करते हैं। और इस तरह से देखिए ये है व्यू, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का यहाँ रंसू से जब हम शिवखोड़ी की तरफ निकलते हैं,
तो यहाँ से ये गेट हमको एंटर करना होता है और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं दर्शन की तरफ, मतलब शिवखोड़ी की तरफ। तो बस इस तरह से अभी पापा जी बैठ गए हमारे घोड़े के ऊपर, घोड़ा कर लिया है हमने बुक। तो अब मेरी बेटी ने को भी बिठाया हमने घोड़े पे, तो पता नहीं वो जाएंगी साथ में जा जल्दी ही, मतलब उतर जाएंगी क्योंकि पहली बारी बैठी है वो घोड़े पे। तो पापा जा रहे हैं हमारे घोड़े पे, तो हम लोग जाएंगे पैदल सभी। तो बस इस तरह से वो लोग थोड़ा आगे गए और फिर उसके बाद ना मेरी बेटी बोलने लगी नहीं मुझे नहीं जाना है, वो थोड़ा डरती है, डर गई घोड़े से, तो फिर उनको हमने उतार दिया था घोड़े से। तो इस तरह से यहाँ से ये पुल स्टार्ट में आएगा आपको, इस तरह से कुछ झरने बहते बहते आएंगे, पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी इतनी अच्छी है, व्यू का तो आप पूछो मत, मतलब व्यू आपको ऐसा मिलने वाला है कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, मस्ट ट्राई। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो भी, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कैब वगैरह करके, कार वगैरह बुक करके आ जाइए यहाँ पे, तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी ये वाला ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अब शिवखोड़ी का ब्लॉग, इसका नेक्स्ट वाला ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ से शिवखोड़ी तक हम कैसे गए और गुफा के दर्शन किस तरह से हमने किए हैं, क्या क्या है वहाँ पे, वो सब मैं आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी ये ब्लॉग मैं करती हूँ ख़त्म, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। जुड़े रहिए मेरे साथ नए ब्लॉग में उसके शिवखोड़ी के पूरे दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।